हेलो, माय नेम क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। कई लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग पे एक वीडियो बनाइए कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं और पहले स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो एक सीन मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अपनी स्क्रीन राइटिंग करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फाइनल ड्राफ्ट 8। हालांकि उसके काफ़ी वर्जन आ चुके हैं, शायद 12 या 13 वर्जन भी चल रहा होगा, पर मैं 8th वर्जन ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ करिए, नहीं है तो आप उसे खरीद सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाके, नहीं तो आप टॉरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेलटेक्स यूज़ नहीं करता हूँ तो उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सेलटेक्स मैंने अपने करियर की शुरुआत में यूज़ किया था, वो फ्री है, पर मैं उसके फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता वो। फाइनल ड्राफ्ट की अच्छी बात यह है कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, एक परफेक्ट फॉर्मेट निकल के आता है एंड इफ़ यू यूज़ दैट यू विल बी क्वाइट कम्फर्टेबल विद इट। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो फाइनल ड्राफ्ट जो सॉफ्टवेयर है वो या तो आप खरीद सकते हैं या फिर आप टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास एक वर्जन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसमें कम्फर्टेबल नहीं हूँ। मैं फाइनल ड्राफ्ट 8 यूज़ करता हूँ जो कि थोड़ा पुराना वर्जन है, पर मेरा जो काम है इससे हो जाता है और क्योंकि मैं इसमें बहुत यूज़ टू हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबली इसको यूज़ कर लेता हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है, क्योंकि जो नए फाइनल ड्राफ्ट के वर्जन है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे इरिटेट करते हैं, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। खैर, ये वर्जन मुझे अच्छा लगता है और बहुत ईजिली और स्विफ्टली मेरे कंप्यूटर में चलता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें सब वैलिड रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो बेसिक चीज़ें ही आपको जाननी है कि फाइनल ड्राफ्ट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम फाइनल ड्राफ्ट खोलते हैं। फाइनल ड्राफ्ट खोलते ही आपके सामने ये पेज आएगा, ये इसका GUI है जहाँ पे आप सारी चीज़ें करते हो। तो ये बेसिक पेज है जहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइपिंग करते हो वैसे यहाँ पे भी टाइपिंग करनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कवर पेज। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, छोटा सा आइकॉन आपको दिखेगा, आप यहाँ पे जाके टाइटल पेज पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसपे आप स्क्रिप्ट टाइटल, रिटन बाय नेम ऑफ फर्स्ट राइटर, बेस्ड ऑन इफ एनी, और अपना एड्रेस और फोन नंबर फिल कर सकते हो। और ये आपको जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होगे तो ये आपको पेज नहीं दिखेगा। जब आप अपना PDF फाइनल निकालोगे, जैसे यहाँ से फाइल में जाके आप सेव एज PDF करोगे, तो जो फाइनल PDF वर्जन बनेगा उसमें ये कवर पेज आपको दिखाई पड़ेगा। आप अपनी डिटेल्स इसमें भरिए और फिर यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेव हो जाता है। उसके बाद चलिए हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करते हैं। तो इसमें ये एक ऑप्शन है जूम का, और जूम के ऑप्शन से आप इसको डायमेंशन दे सकते हैं, जिस डायमेंशन में आप लिखना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आपकी आंखें कंफर्टेबल हों। अगर आपके पास लैपटॉप है उसकी छोटी स्क्रीन है तो आप हायर वर्जन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें बड़ी स्क्रीन है तो आप 100 over 125% पे अपना काम कर सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है वो इसमें ये वाला है, जिसके थ्रू आप सारी स्क्रिप्टिंग करते हो और सारी स्क्रिप्टिंग आपके लिए ईजी हो जाती है। ये बेसिकली फॉर्मेटिंग सेक्शन है जहाँ से आप फॉर्मेट करते हो अपनी स्क्रिप्ट को। तो इसमें जनरल, सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, पैरेंथेटिकल, डायलॉग, ट्रांजिशन, शॉर्ट और कास्ट लिस्ट है। कास्ट लिस्ट का आपको इस्तेमाल स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं करना होगा, जब आप अपना बाइबल बनाओगे या फिर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो वहाँ पर आप कास्ट लिस्ट को मैंशन कर सकते हो। अगर आप कास्ट लिस्ट देना चाहते हो तो शुरुआत में आप कास्ट लिस्ट अपनी प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले जो सेक्शन है जनरल, वो एक जनरल राइटिंग के बारे में है कि आप जो भी लिखना चाहते हो आप उसको लिखोगे, पर इसका स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हो और आप एक अनाउंसमेंट करना चाहते हो अपने स्क्रीन प्ले में, तो आप जनरल के थ्रू लिखते हो। सीन हेडिंग में आप सीन की हेडिंग लिखते हो कि सीन कहाँ पे हो रहा है, इंटीरियर में हो रहा है, एक्सटीरियर में हो रहा है, या क्या लोकेशन है उसकी, उसके बारे में मेंशन करते हो। एक्शन वो चीज़ होती है जो स्क्रीन प्ले में, जो जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे होते हो सीन में जो चीज़ एक्शन में हो रही होती हैं, जो आप एविडेंटली देख रहे होते हो, जहाँ पर डायलॉग्स नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें एक्शन में आती हैं। कैरेक्टर आपको पता है, कैरेक्टर का नाम। पैरेंथेटिकल वो होता है जो कैरेक्टर का मूड होता है, इमोशन होता है, वो पर्टिकुलर डायलॉग बोलते वक्त उसको हम पैरेंथेटिकल में करते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। डायलॉग आपको पता ही है, कैरेक्टर के नीचे आप डायलॉग लिखते हो कि किस तरह से डायलॉग वो बोलेगा। ट्रांजिशन बेसिकली ये एडिटर के लिए होता है कि आप इसमें फेड इन कर रहे हो, फेड आउट कर रहे हो, या फिर ट्रांजिशन करके पुल बैक टू रिवील कर रहे हो, या जिस तरह के ट्रांजिशन आप यूज़ करते हो, कट टू, मैच कट टू, ये सारी चीज़ें ट्रांजिशन में आती हैं। अगर आप जंप कट भी लगाना चाहते हो तो वो भी ट्रांजिशन के अंदर ही आएगा। उसके बाद आप शॉर्ट यूज़ करते हो, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसमें आप बस शॉर्ट के बारे में बताते हो, पर मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और आप उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और कोई कैमरामैन के पास वो चीज़ जाने वाली होती है, तो आपको शॉर्ट लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट ब्रेकडाउन बाद में करिए, शॉर्ट्स लिखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसमें प्रोडक्शन है जहाँ पे आप सीन नंबर्स दे सकते हो, एडिट कर सकते हो सीन नंबर्स को। ओमिट सीन, ओमिट सीन वो सीन होता है बेसिकली जिसमें आप सीन को लिखते हो पर आपको अच्छा नहीं लगता है, उस टाइम पे आपको लगता है कि सीन का कोई रेलिवेंस नहीं है तो आप उसको हाइड कर देते हो, तो बेसिकली सीन डिलीट नहीं होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपको सीन पसंद नहीं है तो आप उसको डिलीट कर देते हो,
यहाँ पे आपको सीन को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीन को ओमिट करते हो तो सीन वहीं रहेगा, बस एक ओमिट उस सीन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाएगी। जब भी आप उस सीन को देखना चाहते हो आप देख सकते हो, पर जब आप PDF निकालते हो तो आप उस सीन को नहीं देख सकते। जब आप अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज कर रहे हो तभी आप अपने स्क्रीन का तभी आप उस पर्टिकुलर सीन को ओमिट अन ओमिट करके उस पर्टिकुलर सीन को देख सकते हो। तो बेसिकली ओमिट सीन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सीन को उस टाइम के लिए हाइड कर देता है। रिविजन्स आपके रिविजन मोड में इस्तेमाल होते हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें मार्किंग होती हैं, जब आप मार्किंग करते हो ये चीज़ आपको रिवाइज करनी है तो आप उस चीज़ को मार्क कर देते हो। टूल्स और बाकी चीज़ों में आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फॉर्मेट है इसका वो फिक्स है और जो फॉन्ट है इसके वो भी फिक्स है, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि फॉन्ट भी इसके चेंज हो जाते हैं और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाता है, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो फॉन्ट साइज है वो बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो यूज़ होता है इसमें। और इसीलिए कहते हैं कि फाइनल ड्राफ्ट का जो एक पेज होता है वो एक मिनट के बराबर होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेशन है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है पर वो अप्रॉक्सीमेशन है। जिससे आप स्क्रिप्ट लिखते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सीन कितना लंबा और छोटा हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाके सीन हेडिंग के लिए ट्रांजिशन डालता हूँ। ट्रांजिशन डालते ही आपने देखा कि मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन के लिए सिर्फ एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ भी ट्रांजिशन के ऑप्शन आ जाते हैं कि जनरल सीन हेडिंग में क्या क्या डालना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी शिफ्ट होना चाहता हूँ वहाँ पर शिफ्ट हो सकता हूँ। तो सिर्फ एंटर दबाने से आपके उस पॉइंट पर पर्टिकुलर ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब मैं क्योंकि ट्रांजिशन पे हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ एफ दबाऊंगा तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जो पॉपअप मेन्यू में है। फेड इन, फेड आउट, फेड टू ब्लैक, ये सारे ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे जे दबाता तो जंप कट टू आ जाता, एम दबाता मैच कट टू आ जाता। तो उस हिसाब से जितने भी चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। अभी देखा जैसे मैंने कि उसको डिलीट कर दिया एफ को, तो फेड तो कट टू, फेड इन, फेड आउट, फेड टू, डिजॉल्व टू, ब्लैक, बैक कट टू, मैच कट टू, जंप कट टू, फेड टू ब्लैक, ये सारे ऑप्शन मेरे सामने विजिबल हो जाते हैं। खैर, मैं जो कोई भी स्क्रिप्ट जब शुरू करते हैं तो उसको शुरुआत करते हैं फेड इन से। तो मैं शुरुआत करता हूँ फेड इन से, यहाँ से मेरी स्क्रिप्ट शुरू होती है और मेरी स्क्रिप्ट का जो पहला सीन है वो फेड इन होता है। फेड इन का मतलब ये है कि ब्लैक से पर्टिकुलर सीन पे ट्रांजिशन होगा। अगर आपने एडिटिंग करी है तो आप डिसॉल्व का मतलब जानते होंगे कि डिसॉल्व किस तरह से होता है। तो बेसिकली सीन डिसॉल्व हो रहा है ब्लैक से उस पर्टिकुलर सीन की तरफ जो पहला आपका ओपनिंग सीन होगा। अब हम कहाँ से शुरुआत करते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि मैंने स्टोरी नहीं सोची है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो हम लोग शुरुआत क्या करते हैं कि किसी कैफे से करते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम कैफे के इंटीरियर में बैठे हैं कि एक्सटीरियर में बैठे हैं। सो लेट्स से कि हम कैफे के इंटीरियर में बैठे हैं। अच्छा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम इंटीरियर एक्सटीरियर क्यों लिखते हैं। हम इंटीरियर एक्सटीरियर से लिखते हैं ताकि जो भी चीफ एडी है वो जब शेड्यूल बनाता है तो वो ये बता सके कि जो पर्टिकुलर सीन है वो इंटीरियर में हो रहा है कि एक्सटीरियर में हो रहा है। अगर आपने गलती से एक्सटीरियर लिख दिया तो जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो एडीज हैं, वो सारी प्रिपरेशन जो है वो एक्सटीरियर के हिसाब से करेंगे और इंटीरियर आपको कभी तैयार नहीं मिलेगा आपको। सो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आप इंटीरियर में शूट करें, एक्सटीरियर में शूट करें, क्योंकि उस हिसाब से DOP भी, जो कैमरामैन होता है, सिनेमेटोग्राफर होता है, वो भी डिसाइड करता है कि किस तरह की लाइटिंग उसको यूज़ करनी है। तो आप यहाँ पे सिर्फ आई दबाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका पॉपअप मेन्यू खुल जाता है और इंट और आई बाई ई आ जाता है। आई बाई ई का मतलब ये है इंटीरियर और एक्सटीरियर। जब कोई सीन कॉन्टिन्यूएशन में होता है और वो ब्रेक नहीं होता है इंटीरियर एक्सटीरियर में, और जैसे कैफे के अंदर कोई बंदा बैठा है और वहीं से कैमरा उसको फॉलो करता है और वो बाहर निकल जाता है, तो हम उसको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों बताते हैं, क्योंकि हम उस सीन को डिवाइड नहीं करते, हम उस सीन को कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो हम इंटीरियर एक्सटीरियर यूज़ करते हैं कि वो सीन इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में ऑकर कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कैरेक्टर बाहर जाता है फिर अंदर आता है, फिर बाहर जाता है फिर अंदर आता है, ऐसे में हम इंटीरियर एक्सटीरियर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी इसको पढ़ने वाला वो समझ सके कि वो जो सीन है वो दोनों तरफ हो रहा है और दोनों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। तो बेसिकली जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो इसलिए लिखी जाती है कि जो आपके पढ़ने वाले हैं, जो ऑडियंस है, वो बेसिकली आपके क्रू मेंबर्स हैं, वो टेक्निकल टीम है, वो HODs हैं आपके फिल्म मेकिंग के। तो जब वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो उनको ये रियलाइजेशन होगा कि वो सीन कैसे करना है। सो जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो बेसिकली आप उन सबको हेल्प करते हो जो आपके टीम में होते हैं। उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होता है, उसमें कास्टिंग वाले भी होते हैं, उसमें एडिटर भी होता है, उसमें प्रोडक्शन वाले भी होते हैं, उसमें कैमरामैन भी होता है, उसमें एडिटर भी होता है, सारे लोग होते हैं और स्क्रिप्ट इसी बेसिस पे लिखी जाती है। तो बेसिकली स्क्रीन प्ले का मतलब यही होता है कि जो स्क्रीन पे हो रहा है वो आपको पेपर पे लिखना है। अगर हम यहाँ पे ई दबा देते हैं तो एक्सटीरियर जाता है, अगर हम वहाँ पे ई को हटा देते हैं तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने जाते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और आई बाई ई, जो कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटीरियर से। इंटीरियर, लेट्स से कि वी आर इन अ कैफे, तो आप कैफे का मेंशन कर दो कि वी आर इनसाइड अ कैफे। अगर आप कैफे का नाम देना चाहते हो तो कैफे का नाम भी दे दो। अगर आप बताना चाहते हो किस एरिया में है तो आप कॉमा लगा के उस एरिया का नाम भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। जितना डिटेल दोगे उतना डिटेल में चीज़ें अच्छी होती हैं, उतना सामने वाले को चीज़ें समझ में आती है।
इसके बाद भी आपका जो सीन हेडिंग है वो खत्म नहीं होता है, उसके बाद आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे आपको बताना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर सीन मॉर्निंग में हो रहा है कि आफ्टरनून में हो रहा है कि इवनिंग में हो रहा है कि नाइट में हो रहा है। अगेन ये भी हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो क्रू में काम कर रहे हैं, उनको पता होता है कि वो सीन कब हो रहा है, तो उस हिसाब से वो कॉस्ट्यूम डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से वो लाइटिंग डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से बाकी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किस तरह का सेटअप लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्रू मेंबर्स को बहुत हेल्प करती है। तो लेट्स से ये सीन आफ्टरनून में हो रहा है, अब आपने देखा कि यहाँ पे भी मेरे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं अपने आप, अगर मैं ए दबाता हूँ तो आफ्टरनून में आता है, मैं एम दबाऊंगा तो मॉर्निंग आ जाएगा या मोमेंट्स लेटर आ जाएगा। अगर कोई सीन कुछ ही मोमेंट्स के बाद हो रहा है तो हमें वहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो मॉर्निंग में हो रहा है कि इवनिंग में हो रहा है, हम ये भी बस लिख सकते हैं कि मोमेंट्स लेटर हो रहा है और हमारी चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। अगर मैं इसमें एन लिखता हूँ तो नाइट आ जाता है, अगर मैं इसमें ई लिखता हूँ तो इवनिंग आ जाता है। तो इस तरह से आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे कि डेटाबेस में ऑलरेडी ये सारे डेटा फीडेड है, तो आपको कुछ भी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेम चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि बार बार वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी और बार बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ट्रांजिशन के लिए भी मैंने सिर्फ एक बटन दबाया और मैं एंड में पहुंच गया, वहाँ पे अपने आप सारे ऑप्शंस आ गए। ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे बार बार टैब दबा दबा के उस चीज़ को फॉर्मेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स से कि ये सीन आफ्टरनून में हो रहा है, अब हम अपना सीन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो लोग सीन को स्टार्ट करते हैं, जैसे बहुत सारी स्क्रिप्टें मैंने पढ़ी हैं, तो वो कुछ ऐसा लिख देंगे कि अरुण एंड मेघा आर सिटिंग इन अ कैफे। अब ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वो बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन सही है कि अरुण और मेघा कैफे में बैठे हुए हैं, उसके अलावा डायलॉग लिखना शुरू कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि अगर आर्ट डायरेक्टर सीन को पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इस सीन में किस तरह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेगी, उस वो कैफ़े का लुक कैसा होगा, या वो कास्टिंग वाला कैसे डिसाइड करेगा कि अरुण कैसा दिखता है, मेघा कैसे दिखती है, या उनकी एज क्या होगी। तो इन सबको भी हमको हेल्प करनी पड़ती है जब हम लिखते हैं। तो उसको लिखने का सही तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो हम कैफ़े को डिस्क्राइब करें, इन अ कैफे विच हैज़ अ थीम ऑफ ओल्ड क्लासिक फिल्म्स। तो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो कैफ़े है उसमें ओल्ड क्लासिक फिल्म्स का एक थीम है, जिसकी वजह से जो आसपास एक्सटीरियर होगा उसको आर्ट डायरेक्टर को समझ में आ जाएगा कि उसको किस तरीके का एक्सटीरियर दिखाना है, किस तरह की सेटिंग करनी है, किस तरह की चीज़ें करनी है, यहाँ पर उसको हेल्प मिल जाती है। अरुण, अब जैसे हमने अरुण लिखा, तो हम अरुण को पहली बार इंट्रोड्यूस करें तो अरुण को हम ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे और इसको हम कंट्रोल बी दबा के, ये यहाँ से बी दबा के इसको बड़ा कर देंगे, ताकि जब पहली बार किसी कैरेक्टर को हम एंट्री देते हैं स्क्रीन प्ले में तो एटलीस्ट हमको उसको बताना पड़ता है कि इस जगह पे उसने एंट्री ली है, ताकि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो स्क्रीन पे तो आपको पता हो कि अच्छा इस जगह पे इस कैरेक्टर ने यहाँ पे एंट्री ली थी। और इसके बाद एक ब्लॉक में हम लोग लिखेंगे उस कैरेक्टर का एज, जिसको आप अगेन ब्लॉक में कर सकते हो। अब ये एज लिखना इससे ज़रूरी है क्योंकि पहला तो आप ये डिफाइन करते हो जो भी इसको पढ़ रहा है कि उस बंदे की एज क्या है, दूसरा कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत हेल्प मिलती है जान के कि वो किस एज ग्रुप के एक्टर को कास्ट करे उस चीज़ के लिए। इसके लिए आपको बार बार कास्टिंग डायरेक्टर को स्पेसिफिकेशन नहीं देनी है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि कौन से एक्टर को उसको कास्ट करना है। अरुण एंड मेघा next to a window, let's say they are sitting next to a window and sunlight is falling on them. तो मैंने यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वो विंडो के बगल में बैठे हैं, उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो इससे और भी ज़्यादा इजी हो जाता है किसी को भी प्रिपरेशन करना कि वो लोग कहाँ बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं और किस तरह का सिचुएशन है वहाँ पे और किस तरह का लोकेशन है वहाँ पे। बिहाइंड huge poster of Casablanca. अब मैंने यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि मेघा के पीछे एक पोस्टर है जो कैसाब्लांका फिल्म का है। अब जब आपने मिसोन सीन के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, तो मिसोन सीन होता है वो बेसिकली यही होता है कि आप चीज़ों को इतनी ज़्यादा डिफाइन करते हो कि हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है। जब आप आर्ट डायरेक्शन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ आप प्लेस करते हो कहीं पर उस चीज़ का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब मैंने कैसाब्लांका बोला तो क्या पता ये चीज़ सिग्निफाई कर रही होगी, जो स्टोरी होगी वो कैसाब्लांका टाइप की होगी या जो भी चीज़ें हैं। नॉर्मली जो भी आप आर्ट का इस्तेमाल करते हो उसका फिल्म में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, हो सकता है उस चीज़ का इस्तेमाल ना भी हो, पर अगर आप उसको
बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन करते हो, तो बाकी लोगों के लिए काम करना सेट पे ईजी होता है। अब जो आर्ट डायरेक्टर होगा उसको बहुत आसानी से पता है कि मेघा जो बैठी है उसके पीछे एक वॉल है, ये लोग विंडो के पास बैठे हैं, पीछे कैसेब्लांका का पोस्टर लगा है, तो वो ईजिली उस सेटअप को बना सकता है। अब हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अरुण कैसा दिखता है, क्योंकि अरुण को बताना जरूरी है किस तरह का वो इंसान है। अरुण इज वेयरिंग ब्लू कलर टी शर्ट एंड फेडेड जींस, ही हैज कर्ली हेयर्स, अब जैसे मैंने लिखा है कि अरुण इज वेयरिंग ब्लू कलर टी शर्ट एंड फेडेड जीन्स, ही हैज कर्ली हेयर्स एंड इज हैंड हैज डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन, तो ये चीज़ हेल्प करेगी मेकअप आर्टिस्ट को ये जस्टिफाई करने में कि जो एक्टर होगा वो उसकी डार्केस्ट स्किन होगी, उसके कर्ली हेयर्स होंगे, तो उस तरह से पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं उन सब चीज़ों की। वो कॉस्ट्यूम क्या पहने हैं, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर को यहाँ से हेल्प मिलती है कि उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है और फेडेड जीन्स पहने। अब मेघा का एग्जाम्पल भी इसी तरीके का होगा कि मेघा इज वेयरिंग अ वाइट टॉप, शी इज अ skinny girl with long open hair and a beautiful face, beautiful let's say Indian face। हालांकि अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है उसके फेस के बारे में, पर उसके बाद भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कास्टिंग डायरेक्टर कॉस्ट्यूम वाले को कि उसने वो स्किनी कर्ल है जो लॉन्ग ओपन हेयर रखे हुए हैं, जिससे आपके जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसको पता लगेगा कि उसे लॉन्ग हेयर है तो उनको लॉन्ग हेयर रखने, ब्यूटीफुल इंडियन फेस है तो उस हिसाब से एक्टर ढूंढा जाएगा। और इसके बारे में ये भी लिख देते हैं कि व्हाट शी इज वेयरिंग वाइट टॉप एंड पिंक पैंट्स, बहुत ही वियर्ड है पर ठीक है। शी इज वेयरिंग, हाँ अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हो तो फाइनल ड्राफ्ट आपको रिमाइंड कराएगा कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव करिए, वरना आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अनसेव रह जाएगा और डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं अरुण मेघा स्टोरी और अब हम इसको FDX में सेव कर लेते हैं। अब ये जो फाइल है ये बेसिकली FDX में सेव होगी जो कि फाइनल ड्राफ्ट का एक्सटेंशन है, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, मैंने इसको सेव कर लिया है। अब ये अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में सेव होता रहेगा तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी यहाँ पे हमने इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैफेटेरिया कैसा होगा, अरुण मेघा कैसे दिखते होंगे, उनकी एज क्या होगी, उन्होंने कपड़े क्या पहने हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है किसी भी आदमी को जस्टिफाई करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए कि उसने किस तरह की चीज़ें पहनी हुई हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट का, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट का फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बंदा आपके क्रू में इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा उसको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टर कैसे होंगे और किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। काफ़ी ठंड है तो उस चक्कर में बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं स्पेलिंग के, पर उसको माइंड मत करिए, देखते रहिए। सो अरुण इज पुटिंग इज हैंड्स ऑन टेबल, अरुण है एक्चुअली इज नॉट पुटिंग, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में हो गया तो ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। अरुण हैज पुट हिज हैंड्स ऑन टेबल एंड इज लीनिंग टुवर्ड्स मेघा व्हाइल मेघा इज इन हर ओन थॉट्स, यहाँ पे हमें उनका पोस्टर समझ में आता है, हमें शॉर्ट समझ में आते हैं वो किस तरह से बैठे हैं, ये अगेन एडीज को बहुत हेल्प करता है। देयर आर टू एम्प्टी कॉफी cups in front of them, अभी जो लाइन है देर आर टू एम्प्टी कॉफी कप्स इन फ्रंट ऑफ देम, दो चीज़ें सिग्निफाई करता है, पहली तो ये कि वो काफ़ी देर से वहाँ पे बैठे हैं, दूसरी चीज़ आर्ट डिपार्टमेंट को पता चलती है कि वहाँ पे दो कॉफ़ी कप्स रखे हैं तो उनको वहाँ पे वो चीज़ रखनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली स्क्रिप्ट में लोग मेंशन नहीं करते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम होती है जब वो सेट पे जाते हैं, चूंकि उनके पास वो डिटेलिंग नहीं होती और बार बार सारे क्रू के लोग आके उनसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे कॉफ़ी कप रहेगा कि नहीं रहेगा, सर यहाँ पे कोई सामान रहेगा कि नहीं रहेगा, सर यहाँ पे कोई पोस्टर लगाना है नहीं लगाना है, एम्प्टी फ्रेम है इसको फिल करना है नहीं करना है, वो सारे सवाल से आप बच जाते हो, सारी चीज़ें आपको पता होती है, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर को पता है कि उसको क्या करना है तो बार बार आपसे सवाल नहीं पूछेगी, हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट दोनों को पता है कि उनको क्या काम करना है, सॉरी फॉर द फंबल, तो वो भी अपना काम करते रहेंगे। तो इस तरह आपकी स्क्रिप्ट ईजी हो जाती है। अब हम डायलॉग पे आते हैं, अब हम यहाँ पे सीधे सिर्फ एक बटन दबाते हैं टैब
और हम सीधे करेक्टर पर जाते हैं। आपने देखा मेरे टैब दबाते ही यहाँ पे जो करेक्टर था वो चेंज हो गया और वो एक्शन से सीधे, जैसे एक्शन से सीधे करेक्टर पे आ गया। अब जैसे मैं टैब दबाऊंगा, आप इस पर ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए करेक्टर अपने आप चेंज हो जाता है ऊपर, और जब मैं करेक्टर के ऊपर आ चुका हूँ, सो लेट्स से कि अरुण पहली बात कर रहा है, तो अरुण ने ये लाइन लिखा। अब उसके बाद आपको सिर्फ एंटर दबाना है और उसके बाद आपको फिर से टैब दबाना है, वापस करेक्टर पे आते हैं और हम मेघा के बारे में लिखना शुरू करते हैं। आई डोंट नो व्हाट कैन आई से, आई डोंट नो। तो ये जब आपने एक बार लिख दिया तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अरुण और मेघा का जो नाम है, जो करेक्टर आपने लिस्ट किया है, वो फाइनल ड्राफ्ट अपने आप उसको सेव कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने जैसे ही टैब दबाया वैसे अरुण का नाम आपको सजेस्ट करने लगता है, तो अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप कुछ और लिख सकते हैं। अगर अरुण ही वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो आप वापस अरुण पे क्लिक करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे और वापस से आप वहीं नीचे पहुंच जाएंगे जहां पे डायलॉग्स होते हैं। इस बीच मैं आपको बताता हूं पैरेंथेटिकल का क्या इस्तेमाल होता है। तो अगर आप फिर से एंटर दबाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा, एक्शन करेक्टर पैरेंथेटिकल डायलॉग ट्रांजिशन शॉर्ट कास्टलेस, जो पहले आपने ऊपर देख चुके ऑप्शन। जब आप इसमें पैरेंथेटिकल पे दबाएंगे तो अपने आप आपके सामने दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब इस ब्रैकेट्स में आप वो चीज़ें लिखते हो जो कि उस कैरेक्टर का मूड होता है, या कोई चीज़ आप मेंशन करना चाहते हो जो उस टाइम पे वो कर रहा है, और आप उसे लाइन में मेंशन नहीं करना चाहते हो। वो एक्शन नहीं है, बेसिकली एक इमोशन है, क्योंकि अगर एक्शन होता तो आप उसको मेंशन कर देते एक्शन वाले सेक्शन में, एक सेपरेट लाइन में। तो इसमें आप लिखोगे डिस इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे उस हमने लिखा डिस इंटरेस्टेड व्हाई डू कॉल मी हियर देन। तो यहाँ पे उसका जो इमोशन था, जो मूड था, वो आपने यहाँ पे लिखा। अब इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो जब आप एक्शन होगा जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको लिखने के लिए आपको सेपरेट लाइन में लिखना पड़ेगा कि मेघा मेघा लुक्स एट हिम इन कंसर्न वे, तो मेघा उसकी तरफ पलटती है। अब ये एक एक्शन है तो आप इसको एक्शन सेक्शन में लिखोगे और फिर से आप एंटर दबा के टैब दबाओगे अगेन, मेघा को आप बताता है कि आप मेघा को लिखना चाहते हो या फिर किसी और कैरेक्टर के बारे में लिखना चाहते हो, तो आप मेघा पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। सो एक और चीज़ है यहाँ पे पैरेंथेटिकल में, आप एक और चीज़ लिख सकते हैं बीट। अब बीट, अब बीट का मतलब ये होता है स्क्रिप्ट राइटिंग में कि आपने एक मोमेंट का पॉज लिया, तो उस पॉज को स्क्रिप्ट राइटिंग के सेंस में एक बीट कहते हैं। तो एक बीट मतलब एक सेकेंड तक, एक सेकेंड भी नहीं होता, एक सेकेंड भी बहुत ज़्यादा होता है, एक बीट मतलब एक मोमेंट पास हुआ, एक मोमेंट जब पास होता है तो उसको एक बीट कहते हैं। तो मेघा ने एक बीट लिया, एक मोमेंट लिया, उसके बाद उसने अपना डायलॉग बोलना शुरू किया। Because we are friends. और ये लिखते ही आपका सपोज कि कॉन्वर्सेशन ओवर हो जाता है, तो उसके बाद आप कट्टू करना चाहते हैं किसी सीन पे, किसी दूसरे सीन पे, तो आप फिर से एंटर दबाएंगे और आप ट्रांजिशन का इस्तेमाल करिए, कट्टू या फिर जम कट्टू या फिर मैच कट्टू, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको यूज़ करेंगे। अगर आप सीन को ये ख़त्म करना चाहते हैं या किसी और सीन में डिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप डिजॉल्व टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और फेड टू ब्लैक कर सकते हैं, अगर सीन को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी कि हमने कट्टू का इस्तेमाल किया। कट्टू का इस्तेमाल कई जो राइटर्स होते हैं वो बार बार करते हैं, कट्टू का इस्तेमाल बार बार नहीं होता है। कट्टू तब होता है जब एक पर्टिकुलर सीन से आप दूसरे सीन में ट्रांजिशन मारते हैं, वरना नॉर्मली सीन से दूसरे सीन में बिना ट्रांजिशन डाले भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम लेट्स से हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं और हम नेक्स्ट सीन पे मूव करते हैं। सीन हेडिंग, सपोज दे आर ऑन एक्सटीरियर ऑफ गोल्फ कोर्स, ये कोई दूसरी स्टोरी है, अब यहाँ पे नवीन नाम का कैरेक्टर is playing with Praveen. अब मैं यहाँ पे वो डिटेल नहीं डालूंगा जो मैंने पहले डाली थी, क्योंकि वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो नवीन इज प्लेइंग विद प्रवीण, तो यहाँ से आप अपनी फिल्म का स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आपकी फिल्म बेसिकली आगे आप इसको मूव ऑन कर सकते हो और इसके बाद सीन पे सीन यूज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि इसमें सीन नंबर कैसे डालें, तो आप यहाँ पे टू प्रोडक्शन में जाइए, सीन नंबर्स पे जाइए, एड नंबर्स करेंगे और यहाँ पे डालेंगे स्टार्टिंग नंबर वन, सीन हेडिंग। तो पहले सीन हेडिंग से ही आपके नंबर पढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपके वन और टू ये सीन्स लिख के आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सीन नंबर है, किस तरह से कौन सा सीन में आपको चेंजेस करने हैं, कुछ में नहीं करना है। मैंने आपको पहले ओमिट के बारे में बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब आप ओमिट करना चाहते हैं किसी सीन को, सपोज़ ये सीन आपने लिखा और आपको लगता है कि यार ये सीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं अभी फिल्म में नहीं रखना चाहता, तो आप यहाँ पे आके इंट पे क्लिक करिए शुरुआत में
और उसके बाद इस सीन को ओमिट कर दीजिए। तो ये इस तरह से ओमिट का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे ये बताता है कि वो सीन तो लिखा हुआ है पर इसको अभी ओमिट कर दिया ताकि आप इसको रीड नहीं करना चाहते। आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और सीन को ओमिट करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि आप उसे व्यू करना चाहते हैं या अनओमिट करना चाहते हैं। अगर आप उसे व्यू करते हैं तो एक सेपरेट बॉक्स में वो पूरा सीन खुल जाता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप ओमिट पे जाइए और अनओमिट कर दीजिए, वो सीन वहाँ पे वापस आ जाता है। इस तरह से आप अपने सीन लिखना शुरू करते हैं। तो आई गेस इस व्लॉग में मैंने आपको काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है स्क्रिप्ट राइटिंग की। अगर इससे ज़्यादा कुछ आप जानना चाहते हैं और बेसिक्स में जानना चाहते हैं और सॉरी बेसिक्स में नहीं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताना शुरू करूँगा। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख के भी दिखा सकूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी एक शॉर्ट फिल्म आपके सामने लिख के बताऊँ तो आप मेरे ब्लॉग में कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट लिख के बताता हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, व्यू करिए और लोगों को प्रमोट करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा ताकि मैं दूसरे वीडियो भी बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू।